नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता और स्वागत है आप सभी का खबर हरियाणा में। खबरों की शुरुआत करते हैं हरियाणा की पहली खबर झज्जर से। सूबे की पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर से मौजूदा विधायक गीता मुकुल ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बयानों पर पलटवार किया है। मुकुल दरअसल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार को नोटबंदी के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शन के बाद उन्होंने जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। इसके बाद मुकुल ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बयानों पर पलटवार किया है। मुकुल ने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पर बोलते हुए कहा कि विज साहब कांग्रेस की गुटबाजी का राग गाते हैं, तो वहीं मुकुल ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान की कांग्रेस के पास मुद्दों का टोटा है इस पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट हमेशा देते रहे हैं। उन्होंने वो झज्जर आए थे, पहली बात उनको झज्जर में झलसा करना चाहिए था, मातानेल में गए और देखे क्या गए, इतना तो एक विधायक अपने हलके में करवा लेता है। मुख्यमंत्री आए और उन्होंने सिवाय जो योजनाएं परियोजनाएं हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय की, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो केंद्र से करवाई वो चल रही हैं, सिवाय फीता काटने के इस सरकार ने कुछ नहीं किया। अभी सरकार की जो है वो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वो चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, एक ऐसा माहौल देश में बन गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने जो वायदे किए, इनके पार्टी के अध्यक्ष चाहे वो प्रदेश के हों या देश के हों, अपने किए गए वायदों को वो जो है वो जुमला करार देते हैं। हम उनके कई शब्दों की निंदा करते हुए उनको मजबूर करेंगे।